हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होगे, आगे भी बढ़ रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट विकास, लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नई वीडियो। और आज के वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू अभी अपडेट के बारे में। तो भैया, हमारे फ्री फायर का जो नया अपडेट आने वाला है वो कब आने वाला है एंड उसका कन्फर्म डेट क्या है, एंड यहाँ पे अपना जो ओबी अपडेट आएगा उसके बाद आपको कौन सा नया गोल्ड रॉयल बंडल, कौन सा नया पैट, कौन से नए कैरेक्टर एंड कौन से नए नए इमोट आपको देखने को मिलने वाले हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी भैया आज के इस वीडियो आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को भैया पूरा देखना एंड एक भी स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेट कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं एंड आगे भी लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपना जो B29 अपडेट आने वाला है वो कब यहाँ पे आने वाला है एंड इसका कंफर्म डेट क्या है। तो भैया, अपना जो भी 29 अपडेट है वो आज से लगभग 13 दिन बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 अगस्त को आपको हमारे फ्री फायर का नया अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जिस दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ आज से 13 दिन बचे हैं, एंड हो सकता है आप लोग आगे पीछे देख रहे होगे तो आप लोग अपने हिसाब से मिला लेना, बट यहाँ पे 5 या फिर 6 अगस्त को आपको हमारे फ्री फायर का नया अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू मेल कैरेक्टर के बारे में। तो भाई लोग, इस कैरेक्टर का नाम यहाँ पे डिमिट्री रहने वाला है एंड ये एक कॉलर बेसन कैरेक्टर यहाँ पे रहेगा एंड इसका जो स्किल रहेगा वो यहाँ पे एक्टिव स्किल रहेगा। एंड इसका एक्टिव स्किल भैया कुछ ऐसा रहेगा, जैसे आप लोग इसका एक्टिव स्किल को यूज करोगे तो 5 मीटर के अंदर जो है यहाँ पे एक हीलिंग जोन बन जाएगा जो कि आप लोग को यहाँ पे 3 HP रिकवर करेगा। एंड साथ ही भैया, इस कैरेक्टर का एक और खास एबिलिटी है, आप लोग भैया खुद को भी यहाँ पे रिवाइव कर पाओगे। एंड जैसे इसका वीडियो आ जाएगा मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे बता दूंगा कि इसका एबिलिटी क्या है एंड कैसा होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो भैया 85 सेकंड में जो है इसका स्किल यहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा एंड खुद से रिवाइव करेगा, तो काफी ज्यादा कमाल का एबिलिटी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम यहाँ पे थीवा होने वाला है एंड इसका भी लुक भैया गरेना ने अपने सामने नहीं किया है, यानी कि इसका जो शकल है वो गरेना ने अभी तक नहीं दिखाया, जैसे ही दिखाएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर बात करें फीमेल कैरेक्टर की एबिलिटी की, तो इसका एबिलिटी भी आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। तो भैया यहाँ पे इसका एबिलिटी ये है, अगर आप सभी यहाँ पे कोई रेस्क्यू कंप्लीट करते हो तो आपका जो स्पीड रहेगा वो यहाँ पे 5% तक बढ़ जाएगा एंड आपके सक्सेसफुल रेस्क्यू से भैया यूजर की जो रिकवरी है वो यहाँ पे 15 HP तक हो जाएगी, वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो कैसा लगा भैया फीमेल कैरेक्टर का एबिलिटी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, अगर आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक के बटन को दबा देना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है एंड आगे भी देखने को मिलती रहेगी। और साथ ही एक और खतरनाक अपडेट आपको बता देता हूँ, तो भैया अपनी जो स्पास शॉटगन थी उसमें भी आपसे कुछ यहाँ पे 2x लगाने का मौका मिलेगा जो कि भैया OB29 अपडेट के बाद आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे भैया कि अपने जो स्पास बार है इसमें अपन लोग जो है भैया यहाँ पे 2x स्कोप भी लगा सकते हैं एंड अपने सामने वाली इस एनिमी को जो है यहाँ पे स्कोप करके फायर भी कर सकते हैं। तो ये वाला चेंज आपको कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फ्री फायर के नए पैट के बारे में, जिसका नाम यहाँ पे टाइगर निंजा होने वाला है जो कि भैया आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो कैसा लग रहा भाई लोग हमारा ये नया पैट, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये पैट भी भैया आपको टॉप अप इवेंट में ही देखने को मिल जाएगा एंड ये जो पैट रहेगा OB29 अपडेट में ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाली न्यू ईवो गन्स के बारे में। तो भैया यहाँ पे कौन कौन सी नई ईवो गन्स आने वाली है, चलिए आपको मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद और आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक्समेड गन स्किन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे भैया इसका जो पूरा पूरा लुक है वो इन लोगों ने नहीं निकाला है, सिर्फ थोड़ी सी एनिमेशन इन लोगों ने अपने सामने यहाँ पे निकाली है जो कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। एंड इमोट यहाँ पे आप लोग देख लो, ये कि 50% निकल कर आया है जो कि भैया एक्समेड का इमोट यहाँ पे होने वाला है। तो भैया कुछ ऐसा इमोट आपको देखने मिलेगा जो कि अपनी एक्स मेट करेगा एंड इसकी जो बोनस एबिलिटी रहेगी वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे भैया इन लोगों ने ये बताया है कि अगर आप लोग दूर से भी फायर करोगे तो आपका जो डैमेज है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएगा। एंड बात करें किलिंग इफेक्ट की, तो भैया किलिंग इफेक्ट जो रहेगा वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अपनी ईवो एक्स मेट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये भैया देख लो कैसी लग रही है हमारी न्यू ईवो एक्स मेट की स्किन, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते आएंगे एंड इसके बाद आपको एक और खतरनाक सी चीज यहाँ पे दिखाते हैं जो कि भैया अपनी ईवो फार्मस स्किन यहाँ पे होने वाली है। तो ईवो फार्मस का फर्स्ट लुक यहाँ पे निकल करके आ चुका है जो कि भैया सिर्फ एनिमेशन के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। तो भैया इसका एनिमेशन आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि भैया अपनी ईवो फार्मस गन का यहाँ पे होने वाला है एंड यहाँ पे आपको एक्समेट पहले देखने मिलेगी, उसके बाद आप सीखो जो है यहाँ पे भैया हमारी न्यू फार्मस गन की ईवो गन
देखने मिलेगी। साथ ही आप लोग को जो है M887 का इवो गन भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे अलग से इवो गन के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हमको जो है इवो गन के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए। अगर आप सभी यहाँ पे काफी तक कमेंट आएंगे तो कल सुबह तक मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे एंड आपको और भी काफी सारे अपडेट्स यहाँ पे बता देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लो भैया, जो अपनी फार्मस की गन रहेगी इसमें आप लोगों को अलग अलग एनिमेशन यहाँ पे देखने मिलेंगी, जो कि किलिंग इफेक्ट रहेगा एंड कई इफेक्ट यहाँ पे भैया अलग अलग रहेंगे। एंड अगर इमोट वगैरह की बात करें तो इमोट इन लोगों ने अभी तक शो नहीं किया अपन को, जैसे ही शो कर देंगे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं एंड और भी काफी सारे धमाकेदार इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि आपको हमेशा ही हमारे वीडियो में मिलती रहती है। तो आप लोग यहाँ पे भैया M887 की एक नई लेजेंडरी स्किन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आप सभी को हमारे OB29 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे अभी इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट वगैरह शो नहीं किया गए हैं, क्योंकि ये जो स्किन हम लोग देख रहे हैं ये शायद से ब्राजील सर्वर की है। तो ब्राजील सर्वर में आपको पता है कोई भी एट्रीब्यूट वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ स्किन में कलर वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे इसके एट्रीब्यूट क्लियर हो जाएंगे मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। और हाँ भाई लोग, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल करके आ रही है कि अपने जो पोकर MP40 है उसी की जैसी एक और स्किन आप सभी को हमारे फ्री फायर में बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर यूं कहें कि आपको एक और इनक्यूबेटर या फिर भैया एक आध और न्यू यहाँ पे इवो गन देखने के लिए मिल सकती है। बट इसका जो थीम है भैया वो पोकर की थीम पे यहाँ पे बेस्ड है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर के और भी काफी सारे धमाकेदार अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे भैया आपको एक ग्लूवल की स्किन, साथ ही भैया वेक्टर की दो नई स्किन आपको देखने को मिलेंगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे वेक्टर का इनक्यूबेटर आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वेक्टर का इनक्यूबेटर यहाँ पे आएगा, कमेंट करके बताना। एंड ये वाली ग्लूवल की स्किन आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि भैया एकदम नई ग्लूवल यहाँ पे निकल कर आई है, जो कि आप सभी को हमारे OB29 अपडेट के बाद देखने के लिए मिल जाएगी। तो कैसी लग रही है भैया ग्लूवल की स्किन, जल्दी जल्दी देख करके बताओ। एंड हाँ, लाइक नहीं किया हो अभी तक वीडियो को तो क्या कर रहे हो भाई लोग, जल्दी से लाइक कर दो यार, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते आएंगे एंड अभी आपको बता देते हैं कि अपना जो CS रैंक का नया सीजन आएगा उसमें आपको हेरोइक एंड गोल्ड रीच करने पे क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आपको भैया यहाँ पे गोल्ड रीच करने पे ये वाली AN94 की गोल्डन स्किन बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगी। एंड यहाँ पे हमेशा की तरह आपको जो है हेरोइक रीच करने पे आपको यहाँ पे भैया थोड़ी बहुत जर्सी वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि हमेशा की तरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते आएंगे एंड आपको कुछ बंडल दिखा देते हैं जो कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल हो सकते हैं। तो आप लोग ये कुछ बंडल देख पा रहे होंगे, इनमें से कोई एक बंडल आपको हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग यहाँ पे 13 या फिर 14 दिन बाद आपको देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख लो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे अपना जो जर्सी रॉयल वाला बंडल है वो शायद से आपको यहाँ पे गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ गन आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो भैया कुछ ये नई गन स्किन निकल कर आई है, जो कि आप सभी को हमारे OB29 अपडेट के बाद देखने मिलेगी। एक भैया किंगफिशर की एंड काफी सारी यहाँ पे ग्लूवल है एंड काफी सारी भैया Mag 7 एंड अलग अलग गन स्किन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि भाई लोग कमाल की बात है। इसके बाद कुछ नए इमोट आपको देखने मिल जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 4 इमोट निकल कर आए हैं, जो कि आप सभी को हमारे OB29 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये इमोट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इमोट आप सभी को कैसे लग रहे हैं भाई लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, ये जो वीडियो है भैया मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत मेहनत करके बनाया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना एंड लाइक नहीं किया भाई लोग तो लाइक जरूर करना। एंड चप्पल की स्किन आपको बहुत ही जल्दी टॉप इवेंट में देखने मिल जाएगा, तो कौन कौन वेट कर रहा है चप्पल की स्किन का ये भी कमेंट करके बता देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।